मौत का खेल, बलात्कारियों पर सिकंजा और खूनी खेल कब खत्म होगा, हर खबर पर है हमारी नजर। मिलेगा हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आइडिया सिटी न्यूज। पतांगी मोड़ के पास सड़क किनारे संदेहास्पद स्थिति में जीविका बैको मित्रा की मिली शव। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बक्षौती पंचायत के रामपुर गांव के शैलेंद्र प्रसाद दांगी की 23 वर्षीय पुत्री कृति कुमारी का शव अकबरपुर थाना क्षेत्र के उच्च पथ संख्या 31 पर पंतागी पुल के नीचे से संदेहास्पद स्थिति में शुक्रवार की सुबह मिला। पुल के नीचे शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने फोन कर अकबरपुर थाने के दिया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में कर पहचान कराने के लिए थाने लाया गया। पहले तो मृत युवती की पहचान नहीं हुई, कुछ देर बाद युवती की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तब जाकर मृतक की पहचान हो सकी। स्थानीय लोगों के अनुसार शव की पहचान गोविंदपुर थाना के बक्षौती पंचायत के रामपुर गांव के शैलेंद्र प्रसाद दांगी के पुत्री कृति कुमारी के रूप में की गई। युवती कृति कुमारी यहां कैसे पहुंची तथा उसकी मौत कैसे हुई, यह स्पष्ट अभी नहीं हो सका। बताया जाता है कि मृतक कृति कुमारी जीविका में बैंक मित्रा की पद पर कार्यरत थी और कोरियोना दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में कार्य करती थी। सूत्रों के अनुसार मृतक कृति कुमारी गुरुवार को दोपहर तक कोरियोना बैंक में देखी गई थी। बताया जाता है कि मृतक कृति कुमारी को लगभग एक साल से जीविका द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा था। मानदेय नहीं मिलने से मृतक की स्थिति दयनीय थी और वह आर्थिक तंगी से जूझ रही थी और गुरुवार को भी वह मानदेय के लिए कोरियोना बैंक गई हुई थी। बेटी की अचानक मौत की खबर सुनकर मां सुनीता देवी, पिता शैलेंद्र प्रसाद दांगी तथा छोटी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। जिसे ग्रामीण संभाल रहे थे वह ढाढ़स बंधाया जा रहा था। वहीं बहन मोनिका कुमारी व माता सुनीता देवी ने रोते रोते बताई कि हमारे बेटी को मारकर फेंक दिया है। साथ ही कहा कि घर से कहकर गई थी कि हम बैंक जा रहे हैं और बैंक से गोविंदपुर जीविका ऑफिस जाएंगे। जब शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो मोबाइल पर फोन किए तो मोबाइल बंद बता रहा था। देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी तो हम लोग खोजबीन करना शुरू कर दिए, लेकिन कहीं पता नहीं चल। सुबह अकबरपुर थाना से फोन आया कि एक लड़की का शव मिला है, जब जाकर देखी तो मेरी बेटी का शव है। साथ मृतक की बहन मोनिका कुमारी ने शक जताते हुए बताई कि जीविका ऑफिस के एक कर्मचारी और एक मेरा गाँव का युवक दोनों मिलकर मेरी बहन को हत्या कर फेंक दिया। साथ ही बताई कि मानदेय मांगने को लेकर हमारी बहन को हत्या कर फेंक दिया। इस विषय में अकबरपुर थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में कर पहचान के लिए थाने लाया गया था, जहां सोशल मीडिया के जरिए शव की पहचान हो गई है। शव मिलने की सूचना मृतक के परिजनों को दे दिया गया है तथा शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को मृतक के परिजनों को सौंप दिया जाएगा। साथ ही कहा कि मौत किस कारण हुई इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सकी है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जल्द ही मौत का कारण पता कर लिया जाएगा। अभी अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं युवती की शव को देख स्थानीय लोगों के द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सुनीता कुमार, सुनीता देवी जो जिनका मृत्यु हुआ, आप माता है उनका? मृत्यु हुआ उनका नाम क्या है? कृति कुमारी। कौन सा काम करते थे? बैंक मित्रा में काम करते थे। जीविका से क्या कहते हैं इस पर निर्णय, कैसे मृत्यु हुआ? नहीं लेते कि बैंक पर पैसा हमको नहीं दिया था, इसीलिए उसको बुलाया गया था, इसके चलते से हमको दीदी कटवा दिया। वो जितना दी 20,000 रुपया नहीं दिया है, उतना हमको दीदी कटवा दिया। अरे बाप रे बाप। किसी पर शक है आपको? मुझे तो नंबर दे दे कुछ हो तो। किसी पर शक नहीं है क्यों? किसी पर शक है आपको? गाँव ग्राम किसी से दुश्मनी था? शंकर रविदास। शंकर रविदास। अरे भैया क्या उससे झगड़ा उड़ा हुआ था? हटाने के लिए चाहता था, हटाने के लिए चाहता था। जब वो सीधे बोलता था कि हटा देंगे, हमें काल हमारा दे देखो किया। अभी मैया।